बताएंगे कि आज एक वीडियो जो है खोफ गैंग का जो गैंगस्टर है अरुण चौधरी अलायंस अब्बू जट, उसने संगीन आरोप लगाए हैं जेल के अंदर से। उसने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो है वो साझा किया हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये जो वीडियो की आप बात कर रहे हैं, ये वीडियो देखा था हमने भी। अब उसमें जो हमने किया है कि कॉग्निस लिया पुलिस ने भी, वो देख रहे हैं ये कब की वीडियो है, ये कब से इसने बनाई है, ये कब इसने इसको वायरल किया, उसमें कॉग्निस लिया पुलिस ने, FIR भी रजिस्टर हो रही है, तो वो उसको देख रहे हैं। इसमें सारा तहकीकात चल रही है सर। 8 घंटे पहले ये अपलोड हुई है वीडियो इंस्टाग्राम के सोशल मीडिया हैंडल पे, और उससे पहले कुछ लोगों ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी की है, और उसमें साफ तौर पर बताया कि आज सुबह 7 बजे के करीब जो है ये लाइव आया था अब्बू जट। अच्छा, तो फिर किस तरह से देखते हैं कि फोन कैसे पहुंचा अंदर? हाँ, जहाँ तक ये बात है, इसके ये पहले भी यहाँ पर तकरीबन 1 साल से ज़्यादा से बंद है यहाँ पर, तो इसके ऊपर ये 302 के बाकी भी संगीन आरोप लगे हुए हैं। तो अब ये कि ये केस के 7-8 लोग हैं इसमें को एक्यूज जो बाकी हैं, तो उसमें ये होता है कि जेल का अपना एक डिसिप्लिन होता है, ठीक है। कोई भी जो क्रिमिनल मेंटेलिटी का कोई भी एक्यूज जाता है तो उसको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है, तो जरूर तो नहीं उसी वक्त मेंटल सेटअप चेंज हो जाए। अब यहाँ तक इनकी बात है, ये कभी हमारे स्टाफ को भी सेटन करते रहते हैं रोज़ाना कि मैं बाहर जाऊँगा तो ये करूँगा वो करूँगा, मेरी जमानत हो जाएगी, कभी कभी ऑनलाइन जुडिशरी को भी ऐसा करते रहते हैं। तो वो उस तरीके से हम उनको प्यार से समझाते हैं, तो जिस तरह से हमारा डिसिप्लिन मेजर होते हैं उसमें उनको रखने की कोशिश करते हैं। तो उसमें ये होता है कि अब सबको चीज़ ठीक नहीं लगती, अब उनका ये मेन मसला ये होता है कि जेल में क्यों बंद किया हुआ है हमने, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन है वो किसी न किसी तरीके से निकलती रहती है। अब जैसे कि आप ये वीडियो की बात कर रहे हैं, इसके पहले ये कितनी बार ये इंडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं, तो हम इनको किस न किसी तरीके से रिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरीके से ये बिल्कुल पूरी तरीके से कह रहा है कि मैंने 2 लाख रुपया जो है वो आपका नाम लेके कह रहा है, और वहीं पे अगर हम बात करें आपके PSO की मोहित की बात करें, उनका नाम ले रहा है, साहिल है उसका नाम ले रहा है, तो 2 लाख रुपए की रिश्वत की किस तरीके की बात है? हाँ, उसमें मैंने देखा, उसमें वो कह रहा है कि गंदी गाली भी निकाल रहा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा तो ये करूंगा वो करूंगा, तो अब वो जो फ्रस्ट्रेशन वो किसी किसी तरीके से बाहर आएगी। सर, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद जेल के अंदर फोन कैसे चला गया? हाँ, जिस गुड क्वेश्चन, ये पहले भी मैंने काफ़ी बार भी आप लोगों से बाकी सिविल सोसाइटी लोगों के आसपास भी मैंने इनको ये मैसेज भेजा कि जेल के दीवार के पास कुछ लोग ऐसे घूमते रहते हैं, तो ये आउट ऑफ बाउंड एरिया होता है, क्योंकि एक ये सिक्योरिटी बड़ा सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, तो बाहर से कई बार कुछ थ्रो करने की कोशिश करता है, कुछ थ्रो हमने पकड़े भी हैं। तो ये चीज़ें हम इन पर सर्वेंस रखते हैं लोकल पुलिस की मदद से, ये सारी चीज़ें उसको देखी जाती हैं कि बाहर से थ्रो, क्योंकि सारा डेंसली पॉपुलेटेड है, जब जेल में थी तब तो ये बाहर का एरिया था। जैमर के बावजूद नहीं, जैमर जब से लगे फोन तो नहीं चलते, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नेटवर्क फ्लक्चुएट करता है। अब ये वीडियो कब की है, कब बनी थी, ये पुलिस ने कॉग्निस लिया तो हमारी जेल में जो है वो शिफ्ट करने वाले हैं, कहीं कहां पे उनको शिफ्ट करने वाले जाने वाले हैं? नहीं, वो देखो तो पहले भी तो उनका वो भी थानों में केसेस थे, ठीक है, तो वो उसमें इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाते हैं जहाँ जहाँ उनका केसेस होता है, तो यही उनको चाहिए कि हमें डिसिप्लिन में क्यों रखा जा रहा है, हमें बंद क्यों किया। तो सर, ये बताएंगे कि अब्बू जट इस वक्त कहाँ पे है? अब्बू जट जो ये जो अरुण चौधरी है कहाँ पे है? कठुआ जेल में है जो उसे शिफ्ट कर दिया गया? नहीं, वो तो शिफ्ट हो गए। कहाँ शिफ्ट हुआ सर? वो बाहर की जेल में। सर किन मामलों में? ये ना ये FIR 93/2023 में उसमें जो है 302 का केस है, आर्म्स एक्ट है, तो उसमें जो मर्डर केस है उस पर, और भी 2-3 केस पिछले जो है वो उसके लगे, हमारे पास ये मर्डर केस में बंद है, इसके साथ को अक्यूज्ड हो रहे हैं। क्वेश्चन सर, शिफ्ट कब किया उसे इधर से जेल से? इसको शिफ्ट किया आज। आज सुबह कितने बजे किया? 8 बजे के आसपास। 8 बजे सर, इस मामले में कोई FIR अभी दर्ज हुई है? हाँ बिल्कुल, FIR दर्ज हुई है। मैंने पहले कहा इसमें कॉग्निजेंस ली गई है ताकि इस मामले को पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाए। इसमें नहीं, वो इन्वेस्टिगेट तफ्तीश कर रहे हैं उसको, उसमें तफ्तीश कर रहे हैं कि इसमें सारी चीज़ों को पहले को पूरा थॉरली एग्जामिन करेंगे, तो उसमें क्या आता है वो सब आपके सामने होगा। कितने फोन आपने रिकवर किए हैं? जैसे वो बता रहा है कि हमारे पास 2 फोन है, एक फोन से वो वीडियो शॉट कर रहा है और दूसरे फोन से वो अपने साथी को बता रहा है, वो बात कर रहा है। नहीं, वो वीडियो मैंने भी देखा, वो वीडियो में जो दिखा रहे हैं ना, वो उसमें एक ऐसा कवर सा पकड़ा हुआ है ताकि उसको ज़्यादा से बताया जाए, ताकि ये चीज़ें ये ज़्यादा अपने आप ग्लोरीफाई करें और जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन है वो डी शेम हो। आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जेल सुपरिटेंडेंट, क्योंकि उनका अगर बात करें सूत्रों की माने, लोग भी कहते हैं कि उनका रवैया जो कैदी छूट कर रहा है वो भी कहते हैं कि काफ़ी अच्छा था जेल सुपरिटेंडेंट का, क्या आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, मैं ये बात कहूँगा कि जब भी कोई भी
क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है इंसान, उसको क्या करते हैं पुलिस पकड़ के ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश करती है, तो उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं, तो वो उसमें ये होता है कि उनकी अलग अलग शिकायतें होती हैं। इस जेल में कितने आतंकवादी हैं वो बताइए, और जिस तरह का ये मामला सामने आ रहा है फोन का, कहीं इंटरनेशनल कॉल्स या बाहर भी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, प्लीज। उसमें ये होता है कि जब जेल में बंद किया जाता है, अब उनके अपने अपने सारे मसाइल होते हैं। कोई ये कहता है जी देखो जी मुझे झूठा फंसाया, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ। कोई कहता है जी मैं इस केस में मेरी गवाही गलत लगी, मैं जमानत करी, तो वो जब जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है वो फिर आ जाके जेल अथॉरिटी पर निकलती है। तो फिर ऐसी बात नहीं है, काफ़ी प्यार से उनको रखते हैं। बीच बीच में कुछ ऐसे अनासर होते हैं, इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हाईली क्रिमिनली एडिक्टेड माइंड होते हैं, तो उनको रिफॉर्म करने में टाइम लगता है। तो ऐसी चीज़ें तो वो फिर करेंगे ही ना, अगर किसी ने किसी तरीके से जो भी हमारे सामने आएगा हम उसको बदनाम करेंगे। जिस तरह के कभी कहते हैं छूट के संतरी होता है, बाहर जाके हम तुम्हें गोलियां चलाएंगे, हम तुम्हें जो चक्कर वाला होता है हम तुम्हें बाहर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर उनको हम समझाते भी हैं, तरीके से उनको लेते भी हैं। और जब किसी कोई ज़्यादा नोटोरियस क्रिमिनल एक्टिविटी में एक्यूज होता है तो उस पर जब डिसिप्लिन उस पर ज़्यादा हम रखें भाई इस तरह से हमें रिफॉर्म करना है, तो वो इस तरह की चीज़ें सामने आती ही हैं। आतंकवादी भी जो है यहाँ पे शामिल है, और इस तरह के मामले जो है अगर सामने आए तो किस तरह से आप चिंता का विषय बन रहा है? नहीं, आपकी बात ठीक है। ये मैंने पहले भी कहा ना कि हमारे ये जेल में कोई 3 या 4 बार थ्रोइंग अटेम्प्ट हुए, हमने उसको पकड़े भी हैं, तो उसमें क्या था पुलिस ने कॉग्निजेंस लिया है और आसपास के एरिया को सेंसिटाइज भी किया हुआ है। और मैं भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जेल की जिस आउटर पेरिफेरी है उसके आसपास कोई ऐसे ना आए, क्योंकि ये जेल एक सिक्योरिटी सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन है, इस तरीके से सिक्योरिटी फेलियर है। सिक्योरिटी फेलियर